नमस्कार। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, पिछले सोमवार और बुधवार को मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज भी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स हैं जिला गंदरबल के पिछले हफ्ते से रिलेटेड, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सर्वप्रथम तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस जो पहले से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में लागू थे, वो हमने 31 मई 31 मई 7 AM तक उनको बढ़ा दिया गया है। मैं एक बार पुनः जनरल पब्लिक का, आवाम का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस के दौरान सबने प्रशासन की बहुत ज्यादा मदद की है। मैं आशा करती हूँ कि इस आने वाले हफ्ते में भी आप हमारी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। पिछले हफ्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 9500 टेस्ट किए गए थे, रैट और आरटीपीसीआर मिलाकर के। इससे हमारे जिले की जो पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते लगभग 11.5% थी, लेकिन इस हफ्ते वो घट करके 8% पर आ गई है। ये आप सभी लोगों के कोरोना रिस्ट्रिक्शन में दिए गए सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन अब हमारे जिले में लगभग 54 हो गए हैं। जैसे जैसे समय होता जाता है, हम कंटेनमेंट जोन्स को डी नोटिफाई भी करते जाते हैं। पिछले सप्ताह हमने लगभग 15 कंटेनमेंट जोन्स इस श्रेणी में शामिल किए हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड कोरोना अप्रोप्रिएट एसओपीज को कृपया फॉलो करिए। हम अपने सभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में पूरी 100% सैम्पलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहीं कहीं पे पता नहीं क्यों पब्लिक में थोड़ी सी हिचकिचाहट रही है। मैं एक बार आप लोगों से फिर से कहूंगी कि यदि आपका इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो गया है और आपकी पहले टेस्टिंग करी जा चुकी है, उसके बावजूद भी आपको फिर से अपनी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए और आपको मेडिकल टीम का पूरा सहयोग देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा वैक्सीनेशन को लेके। मैं आप सब लोगों के साथ ये खुशखबरी शेयर करना चाहूंगी कि लगभग 99% हमारी 45 वर्ष के ऊपर के आयु की पॉपुलेशन अब वैक्सीनेट हो चुकी है। इसका यही मतलब है कि अंत में बहुत ही कम लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने से बचे हुए हैं। इसमें अब हमको आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिए। यदि आपके जानकारी में, रिश्तेदारी में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 45 वर्ष की आयु के ऊपर है और उसने यदि अपना फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है, प्लीज उनको इस हफ्ता वो डोज जरूर लगवा दीजिए। अगली बात है कि हमने सोनमर्ग में, जैसा आप सब लोग जानते हैं, दो जिला पास अब खुल गया है ट्रैफिक के लिए। हमने सोनमर्ग में अपनी एक चेक पोस्ट पिछले हफ्ते से चालू की है, जहां पे कारगिल से कश्मीर वैली की तरफ आने वाले ट्रैफिक की स्क्रीनिंग की जाती है। उसमें अब तक लगभग 2000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और सिर्फ 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दे दी गई है। मैं एक बार आप सभी लोगों से पुनः अपील करूंगी कि प्रशासन आपसे जो भी कुछ कह रहा है, जो भी कुछ शेयर कर रहा है वेरियस मीडिया फोरम्स के जरिए, कृपया उन सभी जानकारियों को बहुत ही ध्यान से सुना करिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको जरा ध्यान से पढ़ा करिए और उसको अपने बाकी मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, उनके साथ बांटा भी करिए। एज अ टीम अब तक हमने जितना अच्छा काम किया है, अगर हम आगे भी वैसा ही काम करते रहेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि सेकेंड वेव को डिफीट करने में हम सब लोग बहुत ही ज्यादा सफल होंगे। धन्यवाद।